जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि है पोएट्स एंड पेनकेक्स, आज हम लोग इससे क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आंसर छूटने का संभावना नहीं है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स? ये जो चैप्टर है पोएट एंड पेनकेक्स, इसमें ऑथर कौन है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अशोका मित्रन, 1931 आ तमिल राइटर। ये जो थे तमिल राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज हिज बुक माय ईयर्स विद बॉस टेक ऑफ? ये जो इनका बुक था माय ईयर्स विद बॉस टेक ऑफ, ये जो क्या बताना चाह रहा था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप? जेमिनी स्टूडियो कब बना था? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ए में दिया हुआ 1920, बी में दिया हुआ 1930, सी में दिया हुआ 1910, डी में दिया हुआ 1940। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट? मेकअप मटेरियल का ब्रांड का क्या नाम था जो जेमिनी स्टूडियो में लगा हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, पेनकेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज ग्रेटा गार्बो? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ग्रेटा गार्बो कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, अ स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर, अ जर्मन एक्ट्रेस, अ फ्रेंच एक्ट्रेस, बंगाली एक्ट्रेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, अ स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज अशोका मित्रन्स जॉब इन द स्टूडियो? अशोका मित्रन जो थे स्टूडियो में, उनका काम क्या था? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, टू अरेंज पैनकेक्स, टू अरेंज मेकअप किट्स, टू सर्व वाटर, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन द फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैज अशोका मित्रन बॉट अप थ्रू दिस राइटअप? अशोका मित्रन ने लिखने के लिए क्या खरीदा था? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, टॉपिक्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, टॉपिक ऑफ मेकअप इंडस्ट्री, टॉपिक ऑफ ग्रोस्पी, टॉपिक ऑफ हीरोइंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, टॉपिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ रीडर्स थ्रू दिस राइटअप? इसका जो ऑप्शन दिया दोस्तों, मूवीज एंड डिफरेंट रोल, हीरोइंस एंड देयर टैंट्रम्स, हीरोइंस एंड मेकअप, इंडिपेंडेंस इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, एम आर एस एस वसन, इंग्लिश मैन, तमिल बॉय, डायरेक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, एम आर एस एस वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू? मेकअप रूम जो है किससे कंपेयर किया गया है? इसका जो ऑप्शन दिया दोस्तों, मेकअप कंपनी, पार्लर, ज्वेलरी शॉप, हेयर कटिंग सैलून। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, हेयर कटिंग सैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर हुम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग अ फिल्म? जेमिनी स्टूडियो किसके लिए फिल्म बनाता था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर इंग्लिश पीपल, फॉर इलिटरेट, फॉर एल्डर पीपल, फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोएट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज इंग्लिश मैन? इंग्लिश मैन कौन था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ अ ब्रिटिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई डिड ही विजिट द स्टूडियो? इंग्लिश मैन जो है वह स्टूडियो में क्यों विजिट किया था? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, टू डिलीवर अ स्पीच, टू गॉसिप विद वर्कर्स, टू चेक द वर्कर्स, टू नो द फिल्म मेकिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, टू डिलीवर अ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज एमआरए? एमआरए क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, द मोरल रियरमेंट आर्मी, अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई वाज एमआरए इन्वेंटेड टू जेमिनी स्टूडियो? एमआरए जो है क्यों इन्वेंटेड किया जेमिनी स्टूडियो का? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई डिड एवरीबॉडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर? स्टूडियो में जितने भी लोग थे वो क्यों सोच रहे थे कि ऑथर के कुछ काम दे दिया जाए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द आइडियल एफरेंस ऑफ हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर? ये जो ऑफिस बॉय था जो मेकअप रूम में काम करता था, वह जो है ऑथर के पास क्यों आया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेसी आर्ट एंड फिल्म मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज सुबो इनेमिस? सुबो इनेमिस कौन था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहले इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया हुआ नो वन, बी में दिया हुआ द ऑथर, सी में दिया हुआ एक्टर्स, डी में दिया हुआ द बॉय इन द मेकअप रूम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, द बॉय इन द मेकअप रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस टू होम? जो बॉय था जो मेकअप रूम में काम करता था वो किससे चिढ़ता था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, सुबो सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट क्वालिटीज वाज सुबो एडमायर्ड फॉर?
जो क्वालिटी था सुबो का सक्सेस होने में, क्या क्या इसमें क्वालिटी था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, एक्टिंग में था, राइटिंग में भी था, राइटिंग फिल्म मेकिंग स्किल्स एंड द मैनेजमेंट स्किल्स भी इसमें था, इसीलिए जो है सुबो इतना सक्सेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई वाज सुबो कंसीडर नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। सुबो को जो है कंसीडर क्यों किया जाता था कि जेमिनी स्टूडियो में वह जो है दूसरा नंबर पर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल एग्रीगेशन इन पोएट्स एंड पैनकेक्स। जो चैप्टर है पोएन एंड पैनकेक्स में, इसका नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जांपल बताना है, क्या एग्जांपल होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई वाज ऑथर्स वर्क अपीयर्ड नथिंग एट जेमिनी स्टूडियो। लेखक का काम अपीयर क्यों नहीं हुआ जेमिनी स्टूडियो में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट रिलेशन टू फिल्म मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर। ऑथर को किस तरह से पता चला कि वो जो इंग्लिश मैन था वह स्टीफन स्पेंडर थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, फ्रॉम अ बुक द गॉड दैट फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विथ हिज जॉब इन जेमिनी स्टूडियो। ऑफिस बॉय अपने जॉब से क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो गया था जेमिनी स्टूडियो में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू बी अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ वाज कोथमंगलम सुबो ट्रीटेड इन जेमिनी स्टूडियो। सुबो को जेमिनी स्टूडियो में किस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, विथ हाई रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी पीपल वी आर देयर इन एमआरए ग्रुप। एमआरए ग्रुप में कितने लोग थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास। एमआरए विजिट कब किए थे मद्रास में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई वाज सुबो अ ट्रबल शूटर। सुबो का जो है ट्रबल शूटर क्यों कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिसॉल्विंग क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेरी मिसरी मींस। ये जो एक्सप्रेशन है फेरी मिसरी, इसका मींस क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, डिसकम्फर्ट टू द एक्टर्स इन द मेकअप रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट का कौन हेडिंग करता था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, अ बंगाली एंड लेटर वाज सक्सेस बाय मद्रासियन। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह का हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल का प्लेस लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।